जैसे जैसे नीट का डेट पास आता है तो बहुत जेनविनली बेटा जेनविन फीलिंग है एक स्टूडेंट के बिहाफ पे अगर मैं सोच के देखूं तो बहुत ही जेनविन बात है कि मैम डर लगता है ऑफकोर्स बेटा आपने इतनी टाइम से प्रपरेशन करी है हो सकता है किसी का फर्स्ट ड्रॉप हो सकता है किसी का बेटा दो ड्रॉप हो सकता है किसी का तीन ड्रॉप हो तो डर लगना बहुत ही लाजमी है डर लगता है बेटा अच्छी प्रिपरेशन होती है तो भी डर लगता है ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं है इसलिए डर लग रहा है कई बार आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो उस वजह से भी डर लगता है लेकिन मेरा पहला बेटा आप लोगों से ना रिक्वेस्ट ये है कि जो आप लोग जो ये फीलिंग्स आती है ना बेटा मन के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स जो आती है ना आप लोगों को ना खुद से इंटेंशनली उन फीलिंग्स को डिस्कार्ड करने की कोशिश करनी चाहिए ऐसा नहीं है बेटा कि आप ही एक ऐसे लोग हो जिनके मन में ऐसी फीलिंग्स आती है बेटा हो सकता है मेरे को एग्जाम से रिलेटेड नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती हो बट मेरी भी लाइफ में हो सकता है बेटा कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मेरे को भी बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है तो मैं भी कोशिश करती हूं कि मैं ना उन नेगेटिव थॉट्स को सोचू ना ज्यादा है ना कोशिश करनी है पहली पहली चीज है कोशिश करनी है कोशिश करनी है कि नेगेटिविटी अपने दिमाग में ना लेके आए बेटा कोई भी ऐसी चीज कोई भी ऐसा इंसान जो आपको आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाल रहा है आप नेगेटिविटी से दूर रहो इस वक्त आप नेगेटिविटी से दूर रहो ठीक है आप सिर्फ बेटा फोकस uh, करो क्योंकि ना जब आप बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हैं बेटा तो आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट होती है और ये जो लास्ट के बेटा तीन महीने हैं जिसमें फेबर का बहुत छोटा सा मंथ है इनमें आपको अगर पॉजिटिवली मोर देन देना है तो आपको उन सारी बाधाओं को जबरदस्ती बेटा उठा के अलग करनी पड़ेगी खुद से अलग करनी पड़ेगी ठीक है पहला काम आपका ये है तो मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा था कल की क्लास में था कि मैम आप हमें रिवीजन शेड्यूल दे दो ताकि हमारा रिवीजन अच्छी तरीके से हो पांच सात मिनट सुन लो बेटा ठीक है ये अभी आस्था का भी जन बेटा मैं आपको जेनुअन ईमानदारी से बेटा बिना किसी फिल्टर के मैं आपको एक बात बता रही हूं मैं आपको रिविजन प्लानर दे तो दूंगी बट बेटा आपकी क्लास में

उसकी तैयारी कैसे कर सकते हो आप जैसे कि अभी बेटा आपकी नंबर ऑफ क्लासेस चार चार हो जाएंगी है ना तो आपने क्लास तो अटेंड करना ही है प्लस बेटा आप जैसे फॉर एग्जांपल ना जूलॉजी में टॉपिक्स निकालो कि अभी तक हमारे 11th के ये ये टॉपिक्स हुए हैं आपको बेटर पता होगा कि इनमें से ना आपके कौन से से टॉपिक्स थे कौन से से चैप्टर्स थे जो वीक थे ऐसे कौन से चैप्टर्स थे जो आपके वीक थे आप उन चैप्टर्स को निकालो कि मेरे जूलॉजी में ये चैप्टर वीक थे मेरा बॉटनी में ये चैप्टर वीक था रिवीजन का सबसे पहला बेटा आपका जो वो होना चाहिए वो ये है कि वीक चैप्टर्स को निकालो और या फिर बेटा स्पेसिफिकली कोई टॉपिक वीक है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को देखो तो आपके जो वीक टॉपिक्स है ना स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को कई बार मैं देखती हूँ ना बच्चा क्या करता है ना बेटा

उतना पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो वीक टॉपिक्स को निकालो बैकलॉग वाले टॉपिक्स को निकालो पहले उनको कवर करने की कोशिश करो बट बेटा नींद से पहले हर एक चैप्टर ऐसा होना चाहिए जिसको आपने रिवाइज किया है अगर आपको लग रहा है आपने 11th बहुत बढ़िया तरीके से मैम के साथ बैच में कवर की है तो मैं उन बच्चों के लिए सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी पढ़ो बार-बार

अभी बेटा तैयार करेंगे ये स्टार्ट करेंगे लेकिन मैं बेटा आप लोगों से एक ही बात करूंगी मत फीलिंग्स आती है बहुत नेगेटिव ख्याल ख्याल आते हैं डर भी लगता है लेकिन उस डर को ओवरकम करना है एग्जाम तो होना ही है बेटा आप डरोगे आप नहीं डरोगे आप सोचोगे आप नहीं सोचोगे एग्जाम तो होना है ना एग्जाम की डेट तो कोई चेंज नहीं कर सकता ऐसा कुछ हो जाए कोई चेंज नहीं कर सकता वो तो होगा ही तो बेटा जबरदस्ती अपनी प्रिपरेशन को पता है खराब क्यों करना आपने इतनी अच्छी तैयारी करी है डर से ना बेटा चीजें अच्छी तो नहीं होती है डर से चीजें खराब होती है उन फीलिंग्स को ओवरकम करो और एक बात बेटा मैं आप लोगों से कहूंगी जो मैं कल भी यूट्यूब वाले लेक्चर में कह रही थी कि दिस इज एन एग्जामिनेशन इट इज नॉट बिगर देन योर लाइफ आपके जीवन से बड़ा नहीं है आपका जीवन बहुत खूबसूरत है आपका जीवन आगे बहुत बड़ा है बेटा और आपके लाइफ में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। कई बार हमें लगता है कई बार मुझे भी ये लगता है कई बार मैं भी बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ अपनी लाइफ में कई बार आप भी बहुत डिमोटिवेटेड फील करेंगे बट जब मैं बेटा अपनी अपनी जर्नी को पीछे देखती हूँ ना मुझे लगता है मैंने उस वक्त में ना मेरा नीट का एग्जाम नहीं हुआ मैं मेरे को बहुत बुरा लग रहा था मुझे लग रहा था कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल गए मैंने अपना एक साल बर्बाद कर दिया था ड्रॉप करके मुझे बहुत ऐसे नेगेटिव के मैं किसी मेरे मम्मी पापा को मैंने डिसअपॉइंट कर दिया बट आज जब मैं देखती हूँ ना कि यार मैंने वहाँ से अपने आप को ना उठाया और मैंने मैंने कॉन्स्टेंटली ये कोशिश की कि मैं वहाँ से कुछ बेटर करूँ तो मेरे को अपनी जर्नी को देख के ना ये लगता है कि यार ठीक है Uh, uh, कोई बात नहीं कभी कभी कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है हमारे फेवर में नहीं होती है बट इवेंचुअली अगर हम एफर्ट्स करते रहते हैं मेहनत करते रहते हैं तो वो एक एग्जामिनेशन था और उस एग्जामिनेशन से मेरी लाइफ डिसाइड नहीं होती है वो मेरे जीवन से बड़ा नहीं है वो मेरे लाइफ से बड़ा नहीं है कभी डिमोटिवेटेड फील करते हो फैमिली से बात किया करो परिवार से बात किया करो फैमिली हमेशा आपके पास रहेगी फैमिली हमेशा आपकी सुनेगी आप ऐसा कभी मत फील करना कि आप अकेले हो और आपकी बात कोई नहीं समझेगा बेटा फैमिली समझती है फैमिली को थोड़ा टाइम लगता है चीजों को बेटा करने में लेकिन आप फैमिली हमेशा रहती है ठीक है ठीक है आप बोल रहे ना सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती है बेटा ठीक है मैं मानती हूँ सबकी मैं इस बात पे जरूर बोलना चाहूंगी कि सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती है मैं जानती हूँ सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती है बेटा लेकिन ना फैमिली 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 होती है और आप दुनिया में किसी भी चीज को बेटा आप अभी छोटे हो आप नहीं समझोगे आप दुनिया में किसी भी चीज को फैमिली से रिप्लेस नहीं कर सकते बेटा और नहीं कर सकते इकलौते आप ठीक है मोमेंटरीली लगता है बेटा माँ बाप और हमारे एज आ, में बहुत डिफरेंस है जनरेशन गैप है उनको समझने में वक्त लगता है बट वो वो कभी भी आपके लिए कोई चीज बोलेंगे ना बेटा इंटेंशनली आपका बुरा कभी नहीं करना चाहेंगे माँ बाप कभी इंटेंशनली बुरा नहीं करना चाहेंगे बेटा होता है कई कई लोगों के पेरेंट्स बहुत जल्दी समझ जाते हैं समझते हैं कई लोगों को वक्त लगता है बट वो कभी आपका बुरा नहीं सोचेंगे बेटा और वो हमेशा आपके लिए ना बेटा रहेंगे कभी ऐसा मत बोलो बेटा कभी ऐसा मत बोलो दे विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू कोई आपके लिए बेटा जीवन में एक पैसा खर्च नहीं करेगा बहुत बड़ी बात होती है समझो इस चीज को आपने पढ़ाई की आपने मेहनत की मेहनत इज इक्वी टू रिजल्ट जब आपका रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट से आपको इतनी मोटिवेशन आई कि आपने और मेहनत की आपने और मेहनत की तो और अच्छा रिजल्ट आया ये क्या है एक लूप है क्या समझे क्या बोला मैंने आपने मेहनत की मेहनत की तो आपका अच्छा रिजल्ट आया जैसे आपका अच्छा रिजल्ट आया तो आपको बड़ी खुशी हुई वो अच्छे रिजल्ट से आपने और मेहनत की आपने और मेहनत की तो और अच्छा रिजल्ट आएगा